3 सितंबर को जब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन के लोगों ने इंडिया हाउस के सामने बहुत गंद फैला दी, अंडे, स्मोक बॉम्ब, टमाटर बॉटलों के साथ यहाँ वार किया इस बिल्डिंग पर, जब कुछ हाथ नहीं लगा तो, और अंदर जो ऑफिशियल्स थे वो एक तरह से हाउस अरेस्ट में थे। अभी तक ये कई दिनों से गंद पड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय ओरिजिन के लोगों ने हाई कमीशन को लिखा कि इसे हम खुद साफ करते हैं, स्वच्छ भारत को यहाँ, स्वच्छ लंदन तक पहुँचाते हैं, और स्वच्छ गांधीयन के सिद्धांतों के रहते हुए उसे यहाँ साफ करते हैं। तो यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत गांधी के प्रिंसिपल्स पर स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, जिसमें कि ना सिर्फ लोग, इंडियन कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि हाई कमिश्नर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी यहाँ शामिल हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं उनसे बात करती हूँ, रुचि घनश्याम जी से बात करते हैं। रुचि जी, आप दिखाएं यहाँ पे किस तरह से, रुचि जी सफाई में जुटी हुई हैं, थोड़ा सा ठंड अब होने लगी है यहाँ पर, लेकिन पानी और ग्लव्स वगैरह लेके, झाड़ू लेके, मैम आपने सोचा था ऐसा करेंगे आप यहाँ पर? ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर करना पड़े तो पीछे भी नहीं हटेंगे। ये क्या इनिशिएटिव है और किस किस मंशा से किया जा रहा है मैम? ये हमारा बहुत ही एक सिंपल सा, इसके पीछे बहुत ही साधारण सी सोच थी, वो ये कि हमारे घर को कोई बदमाश गंदा कर गए हैं, हम तो स्वच्छ भारत में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी और का इंतज़ार क्यों करें, हम खुद ही आगे बढ़ के अपना घर क्यों ना साफ कर लें। और ये आइडिया हमारी कम्युनिटी से हमें आया। लेकिन 15 अगस्त से 3 सितंबर, इन कुछ ही दिनों में टमाटर, अंडों से लेकर स्मोक बॉम्ब तक बात पहुंच चुकी है, ये बहुत अहम, बहुत मुश्किल हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। आपने सरकार टू सरकार किस तरह की बातें चल रही हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हमारी तरफ से न केवल लंदन में बल्कि दिल्ली में भी इस बात को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है और इसको संजीदगी से उठाया भी जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यूके सरकार इस मसले को उतनी ही संजीदगी से ले रही है। जब तक कोई रिएक्शन आता है, मैम आप जुट जाइए, मैं आपके और आपके काम के बीच में नहीं आना चाहती, ना मैं यहाँ बहुत गंदा करना चाहती हूँ, बाद में हम भी जुटेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। गंभीरता से सरकार ले रही है या नहीं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो दो लोगों को कस्टडी में लिया गया था उन्हें बेल पर इस वक्त छोड़ दिया गया है, क्या एक्शन होता है इस पर आगे बात होगी। लेकिन हमारे साथ है गौरव, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी हाई कमीशन को कि ये सफाई हमको अपने हाथ में ही लेनी चाहिए। गौरव, क्या थे आपकी मंशा ये चिट्ठी लिखने के लिए? मेरी मंशा ये थी कि कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए करना पड़ेगा, वी कांट बी लाइक साइलेंट, एंड ऑब्वियसली दिस इज द ओनली वे वी कैन मेक श्योर दैट आवर वॉइस इज हर्ड इन अ साइलेंट वे, इन अ पीसफुल वे। वी आर नॉट लाइक द अदर साइड हु इज गोना प्रोटेस्ट इन अ रॉन्ग वे, एंड वी नेवर डन दैट, दैट्स नॉट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज in line with what my culture and my history is, and I literally wrote honest letter to madam and Charanjit ji, and they responded saying it's a very good gesture of yours, bring all your friends, and here we are today. बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा और सही आपने रास्ता चुना गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिखाएं यहाँ लोगों को किस तरह से लोग झाड़ू लेकर काम कर रहे हैं, लंदन जो काउंसिल को करना चाहिए जो वो काम यहाँ भारत कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। मैं बात करूँगी कुछ एक कश्मीरी लोगों से भी, विनोद हमारे साथ हैं। विनोद, आप 15 अगस्त के समय भी थे जब आपका पूरी तरह से घेराव कर लिया गया था, और 3 सितंबर को यहाँ हाउस अरेस्ट में आप ये 370 के बाद बहुत ज़्यादा, पहले अंडे या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, आपको क्या लगता है कम्युनिटी, हम लोग साथ में यहाँ रहते हैं, ये दिशा किस तरफ जा रही है? मेरे हिसाब से ये एक फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आ रहा है, स्पेशली उन लोगों का जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस 370 के हटाने से, जो कि भारत का आंतरिक मामला था, वो उनके सारे प्लान, उनकी सारी स्ट्रेटजीज धराशायी हो गए हैं। और जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी प्रोवोकेशन दिया है, उसके बेसिस पे वो ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के निवासियों की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो उनको डिवाइड करने के लिए इस तरह का एक नेगेटिव कैंपेन, इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाया है।
और जो लोग हैं जो इनके बहकावे में आ रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इन्होंने इसको अपना देश बनाया है यहाँ पे, और अगर वो इस तरीके से पेश आएंगे तो इसके नतीजे लॉन्ग टर्म में उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी परवरिश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। फूट भी देखिए यहाँ पे तो कई लोग साथ में काम भी करते हैं। बिल्कुल, मेरे ऑफिस में एक्चुअली अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, मेरी रिपोर्टिंग लाइन में बांग्लादेशी लोग भी हैं, पाकिस्तानी लोग भी हैं, इंडियन लोग भी हैं, और नॉर्मली हम लोग सब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये जो एक डिवाइसिव चीज़, ये प्रोपोगेंडा जो डाला गया लोगों के दिमाग में कि जो हो रहा है कश्मीर में लोगों के साथ वो गलत हो रहा है, ये एक बहुत ही गलत प्रोपोगेंडा है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि जो आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए, और जब आप लंदन की गलियों में देख रहे हो इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो लोग मानवीयता में विश्वास नहीं रखते हैं। और हमें उस चीज़ को हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है कि मानवीयता की डेफिनेशन सिर्फ वो नहीं है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है। मानवीयता की डेफिनेशन आपके घर से शुरू होती है, आपके शहर से शुरू होती है, और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी एक्सटेंड होती है। बिल्कुल, और यहाँ घर से ही घर की सफाई करने में यहाँ सब लोग जुटे हुए हैं। हम कुछ लोगों से और ये बात करना चाहेंगे कि आप आए मैम, आप मुझे बताएं, मैं बहुत ठीक हूँ, आप भी जुड़ी हैं सफाई अभियान में, मुझे बताएं कि क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए था कि बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर लंदन के मेयर ने अपनी ही वुड हैव डन द थिंग्स दैट ही शुड हैव एक्चुअली डन, द मेट पुलिस वाज हियर एंड आई थिंक द पीपल हु डिड इट, द पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स और दोज हु हैव द गून्स हु डिड इट शोड सम रिस्पेक्ट, दे क्रिएटेड मेहम इन लंदन, they have abused women here, they have abused elderly, they have hit people, they have shown their class, they have shown how sick they are, and we are showing how good we are, and what we are doing is cleaning it up. You abuse us, you mess up with us, but we will not stoop to your level, as simple as that. bahut dhanyawad aapka gandhi ke siddhanton par aur swachh bharat ko london tak pahunchane ki ye muhim chal rahi hai ek tarah se, jahan par sawal bhi kai hain कि अपना घर तो साफ कर रहे हैं, जो दूसरों ने किया वो हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। ये लंदन की सरजमीन पर हो रहा है, क्या यहाँ पे लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी इतनी हम बात करते हैं, उसके मद्देनज़र इस वायलेंस और इस मेहम के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। लवीना टंडन,